नमस्कार, आप ब्लैक सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में आपने लूट, हत्या और अपराध की कई घटनाओं के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन अगर इक्का दुक्का की बात छोड़ दीजिए तो क्या आपने ये सुना है कि पुलिस ने अपराधी को दौड़ाकर पकड़ा है? क्या आपने ये सुना है कि पुलिस ने अपराधी को दौड़ाना शुरू कर दिया है या पुलिस से भागते हुए अपराधी कहीं दौड़ करके जाकर के छुप गए? ये खबरें अब आप सुन रहे होंगे, वो भी तब जब बिहार के नए डीजीपी आर एस भट्टी ने कमान संभाल ली है। वो इसलिए भी क्योंकि आर एस भट्टी ने कमान संभालते ही पुलिसिंग विभाग की जो है बड़ी बैठक की थी और इसमें उन्होंने साफ फॉर्मूला तय कर दिया था, कह दिया था कि आप दौड़ाइए, अपराधी को नहीं दौड़ाइएगा, अपराधी आपको दौड़ाएगा। और अब यकीन मानिए, बिहार में पुलिस ने अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जो अपराधी शरण लिए हुए हैं उन्हें भी जाकर चुन चुन कर उठाया जा रहा है। और इसकी ताजा वानगी बिहार के वैशाली जिले में दिखी है, जहां डीजीपी के इस आदेश के बाद भी एक के बाद एक दो हत्याएं हो जाती हैं। उसके बाद एक ज्वेलर से लूटपाट के दौरान गोलीबारी की जाती है जिसमें वो जख्मी हो जाता है। और इन तीन घटनाओं के बैक टू बैक होने के बाद वहां के लोग उम्मीद खो देते हैं और वहां के लोग ये सोचने लगते हैं कि नए डीजीपी साहब के आदेश का क्या पालन हो रहा है, नए डीजीपी साहब ने जो बातें कही थी पुलिस के लिए वो पुलिस काम कर क्यों नहीं रही है। लेकिन पुलिस रविवार को वो कर दिया जिसके बाद लोगों को यह कहना पड़ गया कि वाकई बिहार के नए डीजीपी आर एस भट्टी के फॉर्मूले पर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। और इसकी वानगी तब दिखी जब एक हत्यारे को पुलिस ने चंवर में दौड़ाना शुरू कर दिया और तब तक दौड़ाया जब तक कि वो हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस के चुंगल में नहीं आ गया। मामला क्या है अब वो समझ लीजिए। दरअसल वैशाली में दो हत्या और एक लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी किए जाने के मामले के बाद रविवार को क्या हुआ वो समझ लीजिए। दरअसल रविवार को थाना क्षेत्र के शेरपुर मानिकपुर पंचायत में आपसी विवाद में एक नशेड़ी युवक ने 65 वर्षीय वृद्ध की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने महुआ मंगरू चौक से गुरु चौक जंदाहा जाने वाली सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर महुआ थाना की पुलिस टीम ने आरोपित अखिलेश ठाकुर को वहां से भागता हुआ देखा और वहां पहुंचने के बाद जब पुलिस ने अखिलेश ठाकुर को भागता हुआ देखा तो थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन सक्सेना के अलावा इंस्पेक्टर संतोष कुमार पंकज, मोनी कुमारी सहित पुलिस बल के जवानों ने दौड़ना शुरू कर दिया और चंवर में दौड़ा दौड़ा कर आरोपी को दबोच ही डाला। तो अब जो है ये खबर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये बताना भी जरूरी हो जाता है आपको कि बिहार की पुलिस अब अपराधियों को दौड़ाने लगी है। और कैसे कहा था डीजीपी ने, कह तो दिया था ना कि अगर आप पुलिस जो है वो अपराधियों को नहीं दौड़ाएंगे तो अपराधी आपको दौड़ाने लगेंगे। और ये बात भी ध्यान रखिए, ये हम नहीं मानने वाले हैं, ये नहीं समझने वाले हैं और इस बात पर यकीन नहीं करने वाले हैं कि पुलिस जो है अपराधियों को दौड़ाने में नाकामयाब हो जाती है। ये बात कहीं से भी सही ठीक नहीं है। ये बातें डीजीपी ने कही थी और डीजीपी की इन बातों का असर इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब बिहार के बाहर भी जितने भी अपराधी बैठे हुए हैं, वो छुप करके बैठे हों, शरण लेकर बैठे हों, किसी व्यवसायिक पर्पस से अपनी दुकान चला रहे हों, यहां से बच बचा करके कई सालों से, उन सभी को, पुराने मामले के दोषी हों या फिर नए मामले के, उन सबको दबोचा जा रहा है, उठाया जा रहा है। और बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहार में अब अपराधी जो है अपराध करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं और इसकी बानगी लगातार 3-4-5 दिनों से दिख रही है। क्योंकि कहीं एम्बुलेंस के सायरन को सुनकर अपराधी नदी में कूद जाते हैं तो कहीं पुलिस की दहशत के कारण जो अपराधी चंवर में भागते भागते दौड़ते दौड़ते पकड़े जाते हैं, कहीं कलकत्ता से बैठे हुए अपराधी को खोज निकाला जाता है। तो अब जो है इस प्रकार की कार्रवाई बिहार में होती रहेगी और जब तक आर एस भट्टी डीजीपी के तौर पर है कम से कम तब तक तो होती ही रहेगी, लोगों को ऐसी उम्मीद है। और बिहार से अपराध का खात्मा भी जल्द होने वाला है। बने रहे सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।